तो इतनी बारिश में जा रहे हैं हम कॉलेज और अभी तक हमें गाड़ी नहीं मिली है। कोई तो होगा जो हमें कॉलेज छोड़ेगा, कौन होगा वो फरिश्ता, चांस आएगा या तारों में। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आगे भीड़ी में सड़क टूटी हुई है तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है और नीचे देखिए मंदाकिनी का रौद्र रूप हो सकता है। जैसे हमने क्रॉस किया भीड़ी बाजार उसके 15-20 मिनट ऊपर से पूरी चट्टान नीचे गिर गई सड़क पे और हम उसके बाद 2 घंटे वहाँ पे रुके रहे और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रात आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्य नेचर घाटी में और अपनी मध्य नेचर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी है और भटवाड़ी की सड़कों में आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो अभी दोस्तों हम इस बारिश में जा रहे हैं कॉलेज, देख सकते हो हमारा एक पेपर टूट चुका था मतलब टूटा भी नहीं, पीछे चला गया था और अभी इतनी सुबह मतलब रात से इतनी बारिश हो रही ना, ऐसे में हमें गाड़ी मिलती ही नहीं मिलती, तो देखते हैं क्या। तो दोस्तों ये देख लीजिए कितनी बारिश हो रही है और यहाँ पे अलका मैडम, हेलो मैम कैसे हो, तो कैसा कितना पढ़ा है आपने? सब भी पढ़ी रहे भाई। हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अब हमें लग रहा है कि हम ही टॉप करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब आई होप अब हमें गाड़ी मिल जाएगा और प्लीज। दोस्तों इतनी बारिश में जा रहे हैं हम कॉलेज और अभी तक हमें गाड़ी नहीं मिली है, सीरियसली अभी तक हमें कोई भी एक गाड़ी तक नहीं मिली है, तो क्या होगा अलका, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। तो अभी निकलते हैं देखते हैं, नहीं तो हम पैदल रास्ते लगते हैं दोस्तों 30 किलोमीटर अगर हम पैदल रास्ते लग गए तो हो गया हमारा पेपर में क्या, हम कल सीधा रिजल्ट के लिए पहुंचेंगे कॉलेज में तो दोस्तों मजाक को छोड़कर गाड़ी नहीं मिल रही है सीरियसली, जो हमारा दुख सुनेगा कौन हमें कॉलेज ले जाएगा। हमें कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई हमारा दुख नहीं सुन रहा है दोस्तों, कोई भी नहीं मिल रहा हमें, कब तक हम वेट करें, कोई तो होगा जो हमें कॉलेज छोड़ेगा, कौन होगा वो फरिश्ता, चांस आएगा या तारों में घोड़े से उतर गया है टाइम घोड़ा नहीं चाहिए जो आएगा वही फरिश्ता होगा। अरे आ जाओ यार। जो आ भी रहे हैं फूल है और कोई रोक भी नहीं रहा, कोई दया नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। और दिन क्लासेस नहीं अटेंड करती थी पर आज है पेपर, तो पेपर में तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। गाइस टमाटर इतने महंगे हो रखे और कोई अमीर किसी अमीर जाए क्या बोलता ज्यादा ने यहाँ फेंक रखे 80 रुपये, अमीर घर के लोगों ने यहाँ फेंके हुए हैं टमाटर, आरती घर आते टाइम उठा देगी कोई बात नहीं। तो दोस्तों नदियों का रौद्र रूप आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा पानी नदियों में आ चुका था, पूरी मंदाकिनी नदी मैली हो चुकी थी और ऐसे में ना कॉलेज भाई जाने में डर भी लगता है, लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, चट्टानें गिरती रहती है, पर हमारा तो अभी दोस्तों हम अगस्तुनी मार्केट में हम पेपर देने का, पेपर हमारा बहुत चकाचक गया ये रहा अगस्तुनी मार्केट। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मोमोज खाने सत्कार होटल में, ये रहा अगस्तुनी। और बेटा पेपर कैसे गया? बहुत गंदा बहुत गंदा रहा।
तो यहाँ पर दोस्तों अलका मैडम कर रही थी मोमोज का वेट कि कब मोमोज आएंगे और कब मैं खाऊंगी। और मैडम जी फ़ोन पे देख के मुस्कुरा रही थी और क्या बोले, फ़ोन भी वैसे ही चला रही। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारे मोमोज आ चुके थे और उसके साथ सूप भी आया था जो कि हम नहीं पीते, हमें पसंद नहीं है। और मोमोज काफ़ी अच्छे हो रहे थे, बट इससे ज़्यादा अच्छे मतलब हम ज़्यादा बेस्ट हमारे लिए पदान स्वीट सॉप मतलब हमारे उकमेट वाले होते हैं, वो काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छे थे, तो अभी जल्दी जल्दी खाते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ से ऊपर है ना महर्षि अगस्त्य जी का आश्रम भी है, आपको भी लोग अगस्त में आओ तो वहाँ विजिट करना, मतलब जाना ज़रूर। हम तो नहीं जा रहे, अभी हम घर के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं। गाड़ी रुका तो दोस्तों हमें गाड़ी तो मिल नहीं रही है इस टाइम भी, और अलका का गाड़ी रुकाने का स्टाइल, चल अलका फिर से नहीं। अलका पेपर कैसे गया? सच बताऊंगी झूठ? जो बताऊंगी ये मर्जी। बहुत गंदा गया। जानू पेपर कैसे गया? अच्छा गया। पेपर कैसे गया? तो आरती जी आपका पेपर कैसे गया? बहुत मस्त, बहुत छकास, 50 सही करके आए, 50 गलत करके आए। यहाँ पे आरती के फैन चिल्ला रहे हैं गाइस, मीटअप मीटअप मीटअप। सब्सक्राइबर कर, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच आपका हमारी वीडियो देखने के लिए और हम लोगों में धन्यवाद। अभी दोस्तों यहाँ पर आगे भीड़ी में सड़क टूटी हुई है तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है, और नीचे देखिए मंदाकिनी का रौद्र रूप हो सकता है इसे। अभी तो खैर पानी कम है, पर सुबह में पानी का जो भाव था ना काफ़ी तेज ही था और अभी कम हो चुका है, और बरसात इतनी ज़्यादा कि टूट फूट हो रही है, जैसे ही बारिश होती आगे टूट फूट होती है। और यहाँ पर मैडम की शक्ल, हेलो मैम, देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। तो ये रही हमारी मंदाकिनी, और यहाँ तक हमारी देखो यहाँ पर दो बस पीछे से हमारे दोस्त भी आ गया, और आगे बहुत आगे तक जाम लगा हुआ है। तो अभी जाम तो खुला नहीं, हम बांसवाड़ा में सारी गाड़ियाँ यहीं लगी हुई लाइन पे, यो 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 गोरू भी आएगी तो बांसवाड़ा में अभी, और देख सकते हो आप आगे तक ऐर तक जाम लगी ऐर गेट टूटा हुआ है, और यहाँ पर तक क्या ही बोले, देखते हैं कब तक खुलता है। तो अभी दोस्तों हमें बांसवाड़ा में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं भी 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, और अभी तक यहाँ जाम खुला नहीं, और शक्ल के हाल देख सकते हो और इससे देख सकते हो बस खाने में लगी हुई है। तो दोस्तों अभी इतना टाइम हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो दोस्तों आगे दिखाई दे रहे ना वहाँ तक जाम लगा, उससे भी आगे तक लगा हुआ है, बहुत ही आगे मतलब भीड़ी तक लगा हुआ है सीधा, और पता नहीं कब तक ये जाम खुलेगा, अब देखते हैं क्या होता है। 5 रुपये भी बच गए। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप आगे से पूरा जाम क्लियर हो चुका है, अब हम निकलते हैं घर के लिए। आज का सफ़र हमारे लिए काफ़ी टफ था, क्यों हल्का? अभी हमारे साथ यहाँ पर दीदी और एक भैया भी हैं, और आप कहाँ से हो दीदी बता? अच्छा घूमने आए हैं हम। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ जाने का प्लान है आपका? अभी तो टुंगनाथ और देवरीताल। देवरीताल, अच्छा ठीक है। मधमेश्वर भी जाना, मधमेश्वर काफ़ी अच्छा है। उतना टाइम नहीं है यार, 2 दिन का टाइम है हमारे पास। अच्छा ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। थैंक यू। क्या गाइस देख लो ये जगह, पहचान लो ढंग से। अरे टूटती है सड़क, पर वहाँ से जाते हैं फिर उस सड़क से जाते हैं आगे से। नहीं ना बोलते बसों के दार गुप्त घासी हो गए, तो बहुत लॉन्ग वाला रास्ता है ना। तो दोस्तों देख सकते हो आप इस चट्टान के नीचे आने के कारण हमें इतने देर यहाँ तक वेट करना पड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। चलो हमने तो फिर भी इतना वेट नहीं किया, हमसे पहले तो बहुतों ने बहुत ज़्यादा वेट किया होगा। यहाँ देख सकते हो कितनी लाइन लगी है, सभी लोग यहाँ अंदर कैमरे पर देख रहे हैं। हम घर आ चुके हैं और इतना हाथ के नहीं दर्द हो गया, और मतलब आजकल लैंडस्लाइड वगैरह सब कुछ हो ही रहा है, तो इसलिए यात्रा के दौरान आप ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि आजकल बरसात इतनी ज़्यादा। हम ही को देख लो, सुबह के जा रहे थे 10 बजे का, मतलब 9 बजे से पेपर था, 10 बजे तक हमने कंप्लीट कर लिया था 3 घंटे का, क्योंकि पेपर ईजी था और पर्यावरण का था उतना टफ नहीं था,
और अभी ना हम घर आ चुके हैं, पर सुबह भी इतनी गाढ़ गधेरे देखे होंगे आपने बहुत ज़्यादा। तो अभी ना हम गाड़ी में लगभग दो घंटे से ऊपर रे बैठे हुए, हमें हंस हंस के पागल हो गए। जो हमारे साथ वहाँ पे यात्री लोग जो भी आ रहे थे ना, वो भी हंस हंस के पागल हो गए। सुबह के टाइम भी बस पूरी गाड़ी में हम दोनों ही हंस रहे थे और इस टाइम भी हम ही हंस रहे थे। और ये देखो घर ला के रैपर वगैरह सारे। तो अभी मैं अलका से आपको मिलवाती हूँ, फिर हम घर चलते हैं। और कैसा रहा आपका सफ़र और कैसा रहा आपका आपका मूड? पागल हो गए क्या? ये देखो दोस्तों, पागल हो गए, बहुत हंसा है हमें। मूड बहुत ज्यादा खराब था तो अभी पूरी गाड़ी में हंसते हंसते आए एकदम। हाँ इधर आ जा, गाड़ी के नीचे मत आना। हाँ बोल। तो दोस्तों बस अभी निकलती है यहाँ के लिए। मैंने गाड़ी में ना इसे बोलने ही नहीं दिया ड्राइवर को कि थोड़ा रुका लो और आगे तक खींच के ला गए, बस इधर जाना है और मेरा घर तो यही ऊपर पे। डिंग डिंग डिंग। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे। बाय, चल खाना खाने। बाय बाय। सो अभी घर आते ही ना बारिश हो रही है यहाँ देखो, पर नीचे देखो भले मौसम ठंडा था पर ठंडा भी नहीं, उमस थी। बारिश जैसे मौसम था पर उमस थी, पर हमारे यहाँ तो ठंडा है। तो दोस्तों हम अभी मस्त मार्गी छत में आनंद ले रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का, अभी अच्छा मौसम है। तो मम्मा जी कुछ बोलिए, काफ़ी टाइम से अपने ब्लॉग में कुछ बोला भी नहीं है। तो प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप कैसे हो? सब बता देना, सब बता देना। हालचाल कैसे हैं? कितनी बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। एक ही सांस में मम्मी ने सारा बोल दिया, लो निपटा दिया मम्मी ने अपना सारा। टाइम नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ देखिए ये मस्त 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 नजारे, ये हमारे सीढ़ीनुमा खेत। तो दोस्तों अभी हो गया, अब शाम भी हो चुकी है और अभी हमारा डुगू ना घूमने जा रखे है। हम तो जाए ना जाए हमारा डुगू सुबह से शाम तक घूम के आ जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है हम कॉलेज गए थे तो मतलब ऐसे ही होता है रोज़, मतलब हमें गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आजकल यात्रा सीज़न में गाड़ियाँ थोड़ा कम चलती हैं क्योंकि हमारी ना एक लिमिटेड बसेज होती थी कि 9 बजे ही जाएगी, 7 बजे ही जाएगी, 8 बजे ही जाएगी, पर वो नहीं जा रही, इसलिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ज़्यादा नहीं तो और क्या टफ होना। पर आजकल लैंड स्लाइड वगैरह जैसे भूस्खलन ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं पहाड़ों में क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में बस आप लोगों से विनती है जो यहाँ बाहर से यात्री लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो वो ना ही आए तो ठीक है क्योंकि आजकल पहाड़ी खुद नीचे आ रहे हैं, सीरियस पहाड़ खुद नीचे आ रहे हैं। क्योंकि आप हमारा लग थोड़ा अच्छा था कि हमें जैसे ही गाड़ी मिली और जैसे ही हमने बारसाड़ा भीड़ी क्रॉस किया तो उसके जस्ट बाद 15-20 मिनट बाद वहाँ से नीचे पत्थर गिर गए, पूरी सड़क मतलब पूरी चट्टान नीचे गिर गई। कॉलेज हमारा पेपर 9 बजे से था तो 10 बजे तक पेपर निपटा दिया। उसके बाद हम घर ही आ रहे थे पर भाई शायद अलका ने कहा थोड़ा सा रुक लेते हैं क्योंकि उसे सामान लेना था कुछ, तो हम रुक गए ठीक है। और हमारे साथ की लड़की चली गई तो वहाँ पर मे भी 4-5 घंटे रुकी रहे और हम उसके बाद 2 घंटे वहाँ पर रुकी रहे। और सड़क उससे पहले मतलब बहुत पहले टूट चुकी थी तो 2-3 बजे तक हम घर आए। तो आजकल ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक करूँगी। ये थी मेरी कॉलेज लाइफ और मतलब एक दिन छुट्टी मांगी कट मारो तो ऐसा ही होता है, मतलब हमेशा रेगुलर नहीं जा पाती हूँ, यही रीज़न है कि ऊपर नीचे करो सर दर्द वगैरह। तो आई होप आपको हमारा लाइफ स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल जो कि आप देख रहे हो, पसंद कर रहे हो और प्यार दे रहे हो। तो दोस्तों मिलूंगी जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए। हंसिए दोस्त, आई बार मिलूंगी जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खस्त रहिए।